दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो में। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए है वो रेसिपी लाई हूँ पास्ता का, जो बेहद ही स्वादिष्ट और सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं, फिर मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले एक पैन में आप पानी गर्म कर लेंगे। पानी गर्म करने के बाद जब पानी खौलने लगे तो उसमें जो है पास्ता डालेंगे। तो पास्ता को ज़्यादा कुक नहीं करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना, उसमें थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे, लगभग एक चम्मच। फिर इसे थोड़ी देर चला लेंगे। चलाने के बाद जो है इसे ढक के हम 5 मिनट तक रख देंगे, जब अच्छे से खौल जाए। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं मेरे, तो देखिए ज़्यादा नहीं करना, बस एक बार उठा के एक चेक कर लेंगे कि हो चुका है कि नहीं, पक गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए अच्छे से पक गए हैं, तो अब इसे हम बंद कर लेंगे ज़्यादा कुक करने पे, तो ये जो है कि आपके पूरे मिक्स हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं, तो ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है। और ये देखिए बॉयल हो चुका है, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो अब इसे एक जाली वाली थाली में या फिर उसमें आप निकाल लेंगे, निकाल के छान लेंगे। इसे छानने के बाद इसमें जो है ठंडा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, पूरे चारों तरफ से घुमा घुमा के ठंडे पानी से अच्छी तरह से पूरा धुल के फिर उसे रख देना है हमें। तो अब बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे अब जो है कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो अब इसमें जो है तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें जो है तड़का देंगे। तड़का पहले हरा मिर्च से देंगे, हरा मिर्च को जो है हल्के लाल कर देंगे। उसके बाद जो है प्याज डालेंगे, प्याज भी उसको हल्का सा लाल करेंगे, ज़्यादा आपको लाल नहीं करना है। तो उसे चलाएंगे धीमे आंच जो है मीडियम आंच पे ही रखेंगे। तो यहाँ प्याज जो है लाल हो चुका है, अब यहाँ पे जो है शिमला मिर्च डालेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, आपकी अपने कंफर्ट के अनुसार जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे। तो यहाँ मैंने बस शिमला मिर्च डाला है, तो शिमला मिर्च भी डाल के जो है उसे थोड़ी देर 2 मिनट के लिए भूजेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर काटे थे, तो उसे काट के उसमें डालेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे। जो है पक चुके हैं, तो ज़्यादा पकाने नहीं है। अब नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालिए और डालने के बाद फिर उसे मिलाइए आप अच्छे से। तो आप इस तरह से पास्ता बनाइए तो ज़रूर आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और पसंद आएगा। इनफैक्ट बच्चे को भी काफ़ी पसंद आता है आजकल, ये बच्चे जो पास्ता खाते हैं और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग है ये, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें आप थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैगी मसाला डाल सकते हैं। मैगी मसाला डालने से आपका जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मसाला डालने के बाद जो है इसे हम लगभग 2 मिनट तक भूजेंगे कि अच्छे से ये जो है मिक्स हो जाए और पक जाए आपस में। तो यहाँ जो है आपके पूरे जो है पक चुके हैं और सब्जी भी देखिए कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है। तो अब इसमें जो है थोड़े थोड़े करके पास्ता मिला देंगे। मिलाने के बाद उसे अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो आपको जो है थोड़े थोड़े ही मिलाना है, आराम से मिलाना है, क्योंकि ये जो है आपको मैंने पहले यहाँ पर धो के रखा हुआ था। तो ये देखिए कितने सारे सब अलग अलग हो चुके हैं आपके, मतलब कोई सटे नहीं है और आपस में तो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसे अच्छे से मिला के,
इसमें जो है थोड़ा सा आपको लगभग 2 चम्मच तक सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे कि कहीं भी छूटे नहीं। और इसमें जो है आप ग्रीन चिल्ली सॉस भी डालेंगे 2 चम्मच लगभग, तो इससे जो है टेस्ट आपका काफ़ी अच्छा आता है और स्पाइसी भी लगता है खाने में। तो अब इसमें डालेंगे हम टमाटो केचप, वो भी लगभग आपको 2 चम्मच ही डालना है। तो लगभग सब डालने के बाद उसे अच्छी तरह से चलाएंगे, पूरा मिक्स करेंगे, क्योंकि कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए कि एक रह जाए पूरा। तो चलाने आँच आपको मीडियम आँच रखना है। मीडियम आँच रखने पे पूरे अच्छे से इसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसमें जो है आपको कुटी हुई मरीच डालेंगे। मरीच का पाउडर अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पास्ता तैयार है। तो कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मेरे वीडियो को। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।